कलेक्शन के मामले में पठान ने तोड़ी आरआरआर की कमर, राजामौली को कड़ी टक्कर देने में उतरे शाहरुख खान। फाइनल जिस दिन का इंतजार था वह अब पूरा हुआ और शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी यानी आज रिलीज हो चुकी है। वॉकआउट ट्रेंड के बावजूद पठान को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में ही कई रिकॉर्ड्स बना दिए थे। हालांकि अब पठान कलेक्शन के मामले में साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर से आगे निकल गई है। इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपको यह बता दे कि फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी शानदार रहने वाला है। रेड एनालिस्ट का मानना है कि यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन करेगी। वहीं नेट कलेक्शन को लेकर बताया जा रहा है कि फिल्म सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही 50 करोड़ जितना कलेक्शन करेगी। आपको यह भी बता दे कि यह फिल्म न सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है और इसीलिए फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन प्रेडिक्ट किया जा रहा है 100 करोड़। अब आइए जानते हैं कि किस मामले में पठान ने आरआरआर की कमर तोड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान की तकरीबन 9.5 लाख टिकटें बिक चुकी है। इसके साथ ही फिल्म ने वॉर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ब्रह्मास्त्र, दृश्यम 2, आरआरआर, भूलभुलैया 2, लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ दिए है। आपको बता दें कि 2022 की सबसे बड़ी फिल्म आरआरआर साबित हुई है। आरआरआर ने वो मुकाम हासिल किया है जो अब तक किसी फिल्म ने नहीं किया। यहाँ तक कि यह फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है और शाहरुख खान ने फिल्म के रिलीज के साथ ही इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एडवांस बुकिंग में जहां शाहरुख खान की फिल्म पठान ने एक दिन में ही 9.5 लाख से भी ज्यादा टिकटें बेची है, तो वही आरआरआर ने 1.5 लाख जितनी टिकटें बेची है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख खान ने फिल्म के रिलीज के साथ ही क्या कमाल कर दिखाया है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में शाहरुख खान अपनी इस फिल्म पठान से क्या क्या बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं। तो दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आए हैं। वही फिल्म में जॉन अब्राहम विलन के किरदार में देखने को मिले हैं। थिएटर से लौटता आ रहा हर शख्स फिल्म पठान की तारीफें ही कर रहा है। फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि क्या आपने यह फिल्म देखी? अगर देख ली तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।